सबको जय यीशु। प्रिय विश्वासियों, सितंबर महीने के 5 तारीख भारतवर्ष के लिए खुशियों का दिन है, क्योंकि हम अपने राष्ट्र के अध्यापकों का दिवस मना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने पहले के धर्म बहनों को जो स्कूल में काम कर रहे हैं और अपने पल्ली के विश्वासियों में से जितने भी अध्यापक के सेवा कार्य निभा रहे हैं, उन सभी को मैं हैप्पी टीचर्स डे की बधाई दे रहा हूं। प्यारे दोस्तों, सितंबर महीने की 5 तारीख कलीसिया कोलकाता के मुकदस तेरेसा का पर्व दिवस मना रही है, जिन्हें हम बड़े प्यार से मदर टेरेसा भी पुकारते हैं। आज के पवित्र मिसा बलिदान के जबूर ये कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, ये सब प्रभु का ही है। जो प्रभु की तलाश करते हैं वे ज्ञानी हैं। जो सच्चे प्रभु इज़राइल के प्रभु ईश्वर की तलाश करते हैं। आज के पहला पाठ कुरिंथी कलीसिया को लिखते हुए पौलुस कहता है, आप में से जो ज्ञानी है, आप में से जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वे सच्चे ज्ञानी बनने के लिए अपने आप को झुकाएं, अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए तैयार हो जाएं। इस शिक्षा में बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। दुनिया की नजर में ज्ञानी बनते हैं लोग, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की नजर में आप ज्ञानी बनना चाहते हैं तो आपको झुकना अनिवार्य है। जिस तरह मसीह ने अपने आप को ईश्वर की मर्जी के आगे झुकाया और कहा, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मां मरियम ने अपनी मर्जी दबाकर प्रभु के मर्जी के आगे सर झुकाकर कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपने जो कहा वही मेरी जिंदगी में पूरी हो। ठीक उसी प्रकार आपको और मुझको झुकाना है। इस प्रकार हम ज्ञानी बन सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र अंजील के पाठ में हमने देखा कि पेत्रुस एक बड़े के सामने, जो शिक्षक बनकर प्रचारक बनकर उनके सामने आए हुए हैं, उनके सामने झुक कर कहता है, क्योंकि आपने कहा इसलिए मैं जरूर अपने जाल गहरे पानी में डालूंगा। जबकि पेत्रुस बचपन से ही मछुआ था, समुद्र को जानता था, मछलियों के बारे में जानता था, मछली को किस तरह पकड़ना वो जानता था, फिर भी वो झुकता है। फिर भी वो यीशु मसीह के वचन को सुनने के बाद वो झुकता है, झुक कर कहता है, क्योंकि आपने कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने देखा इसी प्रकार मदर टेरेसा ने भी अपनी जिंदगी में झुकाया। जब वो एक सोफिस्टिकेटेड कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापक बनकर पढ़ाती थी और उसे परमेश्वर का बुलावा आया, उसने खुदा के आगे झुक कर कहा, मैं तैयार हूं अपने इस जिंदगी को कंफर्ट को छोड़ने के लिए और गरीबों की सेवा में गलियों में विचरने के लिए, घूमने के लिए। और इस प्रकार मदर टेरेसा प्रभु के सामने ज्ञानी बनी, पेत्रुस यीशु मसीह के सामने ज्ञानी बना। ठीक इसी तरह हम भी ईश्वर के आगे, मनुष्यों के आगे नहीं, ईश्वर के आगे ज्ञानी बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो इसके लिए ईश्वर के वचन के आगे, ईश्वर की इच्छा के आगे झुकना अनिवार्य है। Once again, happy Teachers Day and happy feast day. God bless you.